हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोग के साथ में मसाला आलू समोसा शेयर करने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ इसे लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई करिएगा ज़रूर। बहुत इजी भी है और ये बनाने के लिए। सो मैंने आलू उबाल के रखे थे, उसे मैंने छिल के रखा हुआ है। एंड आलू के मसाले में जो मसाला डलने वाला है उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची सांभार का पेस्ट था, तो मैंने ये पीस के रखा हुआ था। और आटा जो था वो मैदा अजवाइन और नमक डाल के मिक्स करके रखा हुआ था। काफ़ी टाइम, मतलब 15 से 20 मिनट तक इसे मिक्स करके रखना पड़ता है और गीले कपड़े में ढक के रखना पड़ता है। तो मैंने इसे पहले से मिक्स करके रखा हुआ था। इसका जो आटा होता है वो पूड़ी का आटा जैसे होता है ना, उस तरीके से गूंथना पड़ता है। तो ऐसे गूंथ के मैंने गीले कपड़े में ढक के रखा हुआ था। तो आइए मेरे साथ अब हम मसाले की तैयारी करते हैं, आलू मसाले की। तो मैंने तेल पहले से ही गरम करके रखा हुआ था, इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून तेल डला हुआ है। और इसमें जो डलने वाला मसाला है वो जीरा, धनिया और सौंफ है। सारे मसाले जो मैं अभी डालने वाली हूँ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामग्री पूरा लिखा हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो देखिए, मैंने अभी इसे तेल में डाला हुआ है। तेल में डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसे कच्चा नहीं रखना है, प्रॉपर तरीके से भूनना है। जो मसाला हमने पिसा हुआ था वो मसाले को भी हमने तेल में छोड़ना है और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे मिक्स मतलब अच्छे तरीके से करना है कि इसका जो मसाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब कच्चा होता है ना, तो उसका फ्लेवर मुँह में ही घूमते रहता है अपने। तो इसे अच्छे तरीके से उसमें पका लेना है। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो देखिए, अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। तो आलू जो हमने उबाल के छिल के रखा हुआ था उसे हम मैश कर रहे हैं। मैश इस तरीके से करना है कि वो मतलब एकदम फ्लैट भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जैसे आलू की सब्जी अपन बनाते हैं उस तरीके से इसे मैश करना है। देखिए इस तरीके से जो अभी आपको दिख रहा है। इसे मिक्स करने के बाद जो मसाला हम भूंज रहे थे उसमें अभी बाकी मसाले हम डालेंगे, जिसमें है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला और जीरा पाउडर है। ये हम सारा मिक्स कर लेंगे इसमें। इसे अब मैंने पूरा प्लेटिंग करके रखा हुआ था ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो पता रहे। सो मैंने पूरा निकाल के रखा हुआ था इसमें। अभी मैंने इसको मसाले में मिक्स कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है और अच्छे तरीके से इसे भूनना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इसे मिक्स करने के बाद जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ था वो सारा हमने इसमें मिलाना है। तो देखिए, अभी हम सारा आलू इसमें डाल रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है फ्रेंड्स, कि जो मसाले सारे हैं वो आलू में मिक्स हो जाए और वो अच्छे तरीके से प्रॉपर एक दूसरे में मिल जाए। क्योंकि ये अगर मिक्स नहीं होगा तो मसाले एक साइड हो जाएंगे, आलू एक साइड हो जाएगा, इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। सो देखिए अभी किस तरीके से प्रॉपर मिक्स हो चुका है। इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो इसे हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करके रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा बना था। बट इसे ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ईजी है बनाने के लिए और बहुत जल्दी बन भी जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समोसा बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा, जो भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है ये। सो देखिए, अब जो मसाला था उसमें मैंने धनिया काट के डाला है, मतलब सांभार काट के डाला हुआ है। सो अभी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सांभार के साथ में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो अभी हम समोसे की तैयारी करते हैं, समोसे की पट्टी की। तो उसके पहले हमने जो सेम कढ़ाई थी उसी में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तेल उतना रखेंगे जितना हम समोसा तल सकें। सो ये तेल गरम होने के लिए रख दिया है अभी। सो हमने जो आटा भिगो के रखा था मैदे का, उसका हमने लोई बना के रखे हुए हैं। लोई बनाने के बाद इसे प्रॉपर तरीके से हम अभी बेलेंगे। इसे ज़्यादा ना मोटा करना है, ज़्यादा पतला करना है, नॉर्मल तरीके से बेलना है। और इसे राउंड शेप में नहीं बेलना है, मतलब वर्टिकल शेप में ही बेलना है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग करके बेलना है। इसमें मेरी दीदी मेरा हेल्प कर रही थी। सो देखिए, अभी बेल के इसके दो पार्ट किए गए थे बीच से, और इसे मेहंदी की कोन की तरह राउंड किया गया था। और राउंड करने के बाद इसमें जो समोसे आलू का जो मसाला हमने बनाए थे
वो मसाला इसमें हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद इसे जैसे जो चिपकाने का तरीका होता है, बहुत से लोग इसे पानी मिला के चिपकाते हैं, तो हमने ऐसा यूज़ नहीं किया था, दीदी ने भी और मैंने भी, हम लोग ने नॉर्मल तरीके से इसे चिपका दिए थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक भी गया था और ये फटा भी नहीं था तलने के समय। सो हमने ये रेडी करके रखे हुए थे सारे समोसे को, और फिर समोसे तो रेडी हो गए थे हमारे फिल करके, तो अभी तेल भी हमारा गर्म हो गया, तो अभी हमने इसे तेल पे छोड़ दिया है। अब देखिए प्रॉपर तरीके से इसे तेल में तलेंगे। गाइस हम जब तेल गर्म करने रखेंगे और जब समोसे भी तलने की बारी आएगी, तो जो गैस की आँच है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे रहेगी तो जलने का भी डर रहेगा इसका, सो इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, क्योंकि इसका जो कवर है वो ऊपर से भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। सो देखिए अभी ये नॉर्मल पक रहा है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है, तो अभी देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है। सो अभी ऐसे ही करते करते हमें इसे पकाना है, और प्लीज़ इसे ज़्यादा तेज आँच में मत पकाइएगा, अदरवाइज मुझे ये जल जाएगा। सो देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज होते जा रहा है। फ्रेंड्स आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने पे बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कि कैसा बना था ये। तो देखिए अभी इसका कलर बहुत चेंज होते जा रहा है, और अभी देखिए प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो इसे हम अभी प्रॉपर मतलब मिक्स कर प्रॉपर निकाल लेंगे एक एक करके बाहर। तो देखिए अभी ये प्रॉपर कलर आ चुका है इसमें गोल्डन कलर, तो अभी इसे बाहर निकाल लेंगे। अभी इसे एक एक करके हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसे मैंने प्लेटिंग करने के लिए रख दिया था। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी लग रही होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है आप तक मिलती रहे और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मिले। सो देखिए हम इसे एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, तो सारे समोसे हमारे बाहर आ जाएंगे ऐसे ही एक एक करके। तो फिर हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया था, आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर में भी निकाल सकते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो फिर निकल जाता है। सो देखिए कितना मस्त लग रहा था, और जैसा दिखने में दिख रहा है टेस्टी, उतना खाने में भी टेस्टी था। तो आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।